हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या मेल कॉन्डम्स ज़्यादा सुरक्षित हैं या फीमेल कॉन्डम्स आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, वैसे मैं इस टॉपिक पर आपके साथ बात नहीं करने वाला था, लेकिन मैं कल कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था और उसमें इस टॉपिक के ऊपर एक कमेंट था, तो मैंने सोचा कि इस पर बात कर ही लेते हैं। वैसे हिंदुस्तान के अंदर फीमेल कॉन्डम्स की सेल बहुत कम है और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर फीमेल कॉन्डम्स की सेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो मेल कॉन्डम है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है फीमेल कॉन्डम के अनुपात में। फीमेल कॉन्डम के फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो आपको उतनी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान नहीं करवा पाता। दूसरी बात, जो सारी मूवमेंट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती हैं, जो उस वक्त नॉइज़ उत्पन्न होती हैं, जो उस वक्त सारी आवाज़ें आती हैं फीमेल कॉन्डम के उपयोग से, उन आवाज़ों में भी थोड़ा इजाफा होता है और मेल कॉन्डम के उपयोग से आवाज़ें कम आएंगी। फीमेल कॉन्डम्स का आविष्कार सिर्फ इस वजह से किया गया था कि कई बार जो मेल पार्टनर हैं वो कॉन्डम यूज़ करना पसंद नहीं करते, तो फीमेल्स को अपनी प्रिकॉशन लेने में बहुत दिक्कत होती थी। इस वजह से फीमेल्स अपने लिए कुछ प्रिकॉशन ले सके, इसलिए फीमेल कॉन्डम का आविष्कार किया गया। फीमेल कॉन्डम के अंदर दो रिंग्स होती हैं, जिस तरफ छोटी रिंग होती है उस साइड से कॉन्डम को वजीना के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। और जो दूसरा फीमेल कॉन्डम का फायदा है, जिन मेल्स को इरेक्शन सही से नहीं आ पाती और इस वजह से वो कॉन्डम का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते, ऐसे मेल फीमेल सेक्सुअल पार्टनर्स के लिए फीमेल कॉन्डम एक बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। वैसे पेनिस की बिना सही इरेक्शन के फीमेल सही से इंजॉय तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी प्रिकॉशन लेना चाहें तो वो फीमेल कॉन्डम के ज़रिए अपनी प्रिकॉशन ले सकती हैं। उसके बाद जो फीमेल कॉन्डम है उसका उपयोग कोई भी फीमेल 5-7 घंटे पहले भी कर सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि उसको उनको उसी वक्त पहनना है, वो इसको पहले से भी पहन कर रेडी हो सकती है, चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स 7-8 घंटे के बाद करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 100 बात की एक बात, मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित है, कम नॉइजी है और ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रिकॉशन लेने में आपकी मदद करेगा। तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।